हमारे साथ प्रशांत बोध जी मौजूद हैं जो कि यूपी से चलकर आए हैं। क्या वजह रहा सर उतना दूर से यहाँ आने का? यहाँ से इतना दूर से चल के आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमें याद आया कि आज 14 अक्टूबर है, और फिर याद आया कि 14 अक्टूबर एक दिन पहले भी आई थी 1956 में, उस दिन बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया था। तो आज दिल्ली के नेशनल मेमोरियल पार्क में हम इसीलिए आए ताकि उस ऐतिहासिक दिन को याद किया जा सके। और राजेंद्र गौतम जी के साथ में जो सिचुएशन बनी है कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेने पर उनके ऊपर में केस करना, उनके ऊपर में शिकायत करना, परेशान करना, और जो बहुत सारे प्रकरण इनके साथ में चल रहे हैं, उनको चैलेंज करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि जिन चीज़ों को लेकर के तुम अपनी बात बात पे आस्था को ठेस पहुंचा लेते हो, बात बात पे क्रोधित हो जाते हो कि लो हम दोबारा से यहाँ पे आए हैं, दोबारा से आपने देखा सभी लोगों ने यहाँ पे 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, वो सारी चीज़ें किया। तो कुल मिला के जो मकसद था वो दो चीज़ें थी कि एक तो उस ऐतिहासिक दिन को फिर से ऐतिहासिक बनाना, और दूसरा कि जो लोग हैं उनको एक चेतावनी देना या फिर उनको एक ये सचेत करना कि भाई तुम लोग अब बात बात पे अपनी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ, जो प्रैक्टिकलिटी है, जो रियलिटी है, उसको समझने की कोशिश करो। और जिन 22 प्रतिज्ञाओं पे ये सारा विवाद ये बना रहे हैं, है नहीं विवाद, ये बना रहे हैं, ये 22 प्रतिज्ञाएं भाई साहब 1956 से चली आ रही हैं और हर साल देश भर में दोहराई जाती हैं। तो राजनीति के चक्कर में किसी भी एक सामाजिक व्यक्ति को जो कि समाज सुधार का काम करता हो उसके लिए थिएटर नहीं बनाओ। तो ये दो चीजें हम जो है दिखाना चाहते थे यहाँ पे। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आजादी के इतने साल होने के बाद भी, और 22 प्रतिज्ञाओं के बाबा साहब ने बहुत पहले पढ़ दिया था, उसके बाद भी आज हमारे समाज के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या वजह है? कारण यही है ना, कारण दो है। एक तो जैसे बाबा साहब ने संविधान तो लिख दिया, संविधान में कानून बना तो दिए, अब लेकिन लोग तो उसका इस्तेमाल तब ना कर पाएंगे जब उनको पता होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे लोगों में एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक एजुकेशन का अभाव है, सबसे पहला बड़ा कारण तो है ये। उसके बाद में जब अभाव है एजुकेशन का, नॉलेज का, तो फिर जो संविधान को चलाने वाली पोजिशन है वहाँ तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एजुकेशन के अभाव की वजह से वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं हो पाया है जो संविधान को एक्चुअल में लागू करते हैं लोगों के ऊपर में, सामाजिक जो समाज व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो शिक्षा नीतियां हैं, जो भी सारी चीज़ें जो बनाते हैं, वहां पर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व है नहीं। और जो लोग वहां पर हैं वो चाहते नहीं कि बहुजन समाज के लोग जो है वो शिक्षित हों या फिर आगे बढ़ें या मजबूत हों आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वो नहीं चाहते कि वो डेवलप्ड हों। तो सबसे बड़ा जो खेल है, जो सबसे बड़ा एक जड़ अगर बोले तो वो जड़ है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो आइडियल्स हैं, जो बहुजन समाज ने अपने आइडियल बना रखे हैं जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन मानना, वो इंस्पिरेशनल लीडर उनके जो उनके वो हैं उन्होंने गलत चूज किए हुए हैं, वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, वो सामाजिक स्थिति परिस्थितियों पर बेस्ड नहीं है। इसीलिए कारण क्या है कि वो लोग एक कल्पनाओं में जो है अपना जीवन को व्यतीत करने में लगे हुए हैं, कल्पना वाली चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हीं पर चल रहे हैं, उन्हीं की मान रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी, संविधान लागू और हक अधिकार मिलने के बाद भी, इतने सालों बाद भी आज हमारा बहुजन समाज शिक्षा के लिए भी संघर्ष कर रहा है, सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष कर रहा है, हर एक जो जरूरत चीज़ की चीज़ें हैं उनके लिए संघर्ष करने में लगा हुआ है। तो उसके सवलिया सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। आखिर क्या ऐसी वजह थी कि आज ही के दिन बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया था? देखिए वो कार वजह तो ऐसा था कि बाबा साहब ने कई बार जो क्योंकि पहले बाबा साहब हिंदू धर्म में आते थे, शूद्र की कैटेगरी में आते थे, शूद्र वर्ण में आते थे, तो जब वो पढ़ लिख करके आए बाहर से, उन्होंने बाहर के लोगों को देखा, सामाजिक स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को समझा, उसके बाद में कई बार हिंदुओं को बोला, समझाया कि भाई तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी चीज़ों में, तुम्हारी रीतियों में ये कमी है, तुम इसे सुधार लो। लेकिन वो लोग अपने आप में फन्ने खा बने हुए थे कि नहीं नहीं हम तो नहीं सुधारेंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं बनेंगे, अरे तू होता कौन है, तू साले शूद्र आकर के हमें बताएगा कि हमें क्या गलत है क्या सही है। बाबा साहब ने बोला भाई सतीप्रथा मत करो, बाबा साहब ने बोला भाई ये इतनी जो सारी चीज़ें हैं, महिला को गुलाम बना के रखने वाले, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने वाले, इन्हें छोड़ दो, ये रीतियाँ हैं, ये कुरीति हैं। तो उन्होंने बोला नहीं 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 हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर बाबा साहब ने जब इतना प्रयास किया उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने, तब उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे धर्म परिवर्तन जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में बाबा साहब ने तमाम धर्मों को, जो भी अन्य धर्म हैं उनको पढ़ा, उनके बारे में रिसर्च किया, और उनके कुछ पॉइंट्स थे उनके आधार पर उन्होंने उसका आकलन किया। तो उस आकलन में जो है बुद्धिज़्म जो सबसे ऊपर उभर के आया,
और डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब का जो गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो अपने 7 लाख अनुयायियों को जो है वो अपनाया। और क्योंकि बुद्ध धम्म जो है वो बहुत बड़ा है, उसके विचार बहुत बड़े हैं, चिंतनीय हैं और सोचनीय हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति की विचारधारा छोटी नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ी थी। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो बुद्ध धर्म अपना रहा है, अगर वो हर व्यक्ति आकर के बुद्धिज्म को जानना चाहे, गौतम बुद्ध को पढ़ना चाहे, तो उसको बहुत टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम लोगों के पास में ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए बाबा साहेब ने इन चीज़ों को बहुत आसान कर दिया, वो इस तरीके से कि बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध के परिवेश से लेकर के कुछ चीज़ें और कुछ अपने दिमाग से चीज़ें मिला करके उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को बना दिया कि अगर आप बुद्धिज्म से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप इन 22 प्रतिज्ञाओं को जो है वो शपथ लीजिए, इन पर चलने का कोशिश कीजिए, चलते चलते अपने जीवन में जो भी आपको टाइम मिलता रहे उस टाइम के दौरान में आप बुद्धिज्म के बारे में अन्य चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो सबसे जो 22 प्रतिज्ञा देने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि जो हमारे बहुजन समाज आने वाले समय में बुद्धिज्म अपनाएंगे वो लोग कंफ्यूज ना रहें, वो लोग ये ना सोच लें कि यार बुद्धिज्म तो इतना मोटा है मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, विष्णु का अवतार समझ लेते, बहुत सारी चीजें हो जाती। इसलिए बाबा साहेब ने पहले ही बोल दिया कि तीसरे लाइन में बोल दिया कि मैं गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा और जो ऐसी बात करता है वो मूर्खता के कुल है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो आज एक ऐतिहासिक दिन है और आज एक ऐतिहासिक जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ से हमारे दर्शक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दर्शक बंधुओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, इंसान का जीवन, इंसान ने जन्म लिया है और एक दिन मर भी जाएगा, बिल्कुल ये बात निश्चित है। मैटर ये करेगा कि आपने अपने उस जीवन को कैसे जिया, या आपने जीवन में क्या परिवर्तन लेके आया, या आपने अपने जीवन में क्या अचीवमेंट दी, क्या बदलाव लेके आया, या आपकी वजह से कितने लोगों में परिवर्तन आया, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है और उसी चीज को लोग याद रखते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जब कभी भी आप अपने जीवन में बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो एजुकेशन लीजिए भैया, शिक्षा लीजिए। जब तक आप अपना बेसिक एजुकेशन नहीं लेंगे और वो भी बढ़िया एजुकेशन, तब तक आगे सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो एजुकेशन लीजिए, उसके बाद में जो आपके आइडियल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं, तो उन आइडियल को सही लोगों को चुनिए। बहुजन समाज के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे तमाम महापुरुष हैं, और अगर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज भी ना करूं तो मैं कहता हूं कि सीधा सीधा बाबा साहब को पढ़ लीजिए। आज बाबा साहब की बात चल रही है, बुद्ध की बात चल रही है, मैं कहता हूं आप बाबा साहब को पढ़ लीजिए, उनके संघर्ष को पढ़ लीजिए, उनकी जो दयनीय स्थिति से लेकर के टॉप पर आने तक का जो जीवन है, अगर आपने उसको पढ़ लिया ना तो उस लाइफ से आप अपने लाइफ को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इतनी लंबी जो पीढ़ी जड़ है, जो जर्नी है, कहीं ना कहीं आप भी इसी स्टेज में होंगे, या तो आप आज भी जैसे बाबा साहब पहले थे बचपन में, शायद आप उस स्थिति में हो, शायद आप वहाँ पे हो जहाँ पे आपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली। यानी कि अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को पढ़ लें कि भाई उन्होंने कैसे कैसे अपना जीवन को जिया और लास्ट में आकर के क्या किया, उसका परिवर्तन क्या आया, तो आप जब ऐसे लोगों को आइडल मानेंगे जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जिन्होंने देश में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है, तो जाहिर सी बात है आपका जो जीवन है, आपका जो दिमाग है, जो आपका बॉडी है, वो भी उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए लग जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि भाई पहले तो अपना एजुकेशन लीजिए, बढ़िया से बढ़िया, जितना बढ़िया हो सकता है, उसके बाद में आप जो आइडल हैं, जो हमारे देश के हैं, उनको पढ़िए, उनके लाइफस्टाइल से आप इंस्पिरेशन लीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत बहुत जी, जो अपनी तार्किक बातें आप लोगों के सामने रखी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसे ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर।